हेलो दोस्तों, कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हो कि पूरे विश्व भर में इसके इलाज के लिए कोई उपचार नहीं है। ऐसे में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है जिसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी है क्या। इस थेरेपी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज जब ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है। इसी एंटीबॉडी के बल पर मरीज ठीक हो जाता है। इस एंटीबॉडी का उपयोग कुछ इस तरह से किया जाता है, जब कोई मरीज बीमार होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनता है और एंटीबॉडी देर से बनने की वजह से वह सीरियस हो जाते हैं। ऐसे में जो मरीज अभी अभी इस वायरस से ठीक हुआ है उसके शरीर में यह एंटीबॉडी पहले से ही बना होता है। वही एंटीबॉडी उसके शरीर से निकालकर दूसरे बीमार मरीज में डाल दिया जाता है। इस एंटीबॉडी की मदद से मरीज के शरीर में वायरस कमजोर होने लगता है, इससे मरीज के ठीक होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। यह वक्त लोगों के लिए देशभक्ति दिखाने वाला है, ये बिना डरे आए और प्लाज्मा डोनेट करें। इस प्रक्रिया में आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना होगा। अगर आपका मन करे तो आप दोबारा 10 दिन के बाद प्लाज्मा दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और ना ही कमजोरी होगी। बता दें कि दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल शुरुआती नतीजे सकारात्मक रहे हैं। 4 में से 2 मरीजों की हालत सुधार हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जिस प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के खिलाफ रामवान माना जा रहा था उस पर विवाद खड़ा हो गया है। ICMR ने कहा है प्लाज्मा थेरेपी को उपचार कहना अभी जल्दबाजी है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को कहा, कोरोना वायरस के इलाज को लेकर दुनिया में कोई अपूर्व थेरेपी नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी भी नहीं, यह अभी प्रयोग के स्तर पर है। दोस्तों, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी कोई ठोस उपचार नहीं आया है। सतर्क रहें और अपने आप को बचाएं। नमस्कार।